डी किसान बदलते भारत की शान। डीडी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर, मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, अरहर, सेब, जीरा, जौ और अरंडी की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। साथ ही बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से भाव पर चर्चा भी होगी। तो आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। दाहोद और कोटा मंडी में स्थिर भाव पर बिकी मक्का, जालंधर मंडी में 100 रुपए चमके भाव। राजकोट मंडी में 150 रुपए टूटकर 9,350 रुपए पर हुए अरहर के सौदे। अलीगढ़ मंडी में रही 10 रुपए की बढ़त। जयपुर मंडी में 12,000 रुपए पर हुए सेब के सौदे। लखनऊ मंडी में 9,105 रुपए रहा भाव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का के साथ। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को मक्का की आवक सामान्य रही, वहीं इसके सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। साथ ही कुछ मंडियों में मक्का की खरीद स्थिर भाव पर हुई। मक्का के कारोबार पर पेश है यह रिपोर्ट। जहाँ तो आइए मक्का के कारोबार पर एक रिपोर्ट देखते हैं। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। बात हाजिर भाव की करें तो एक मार्क नेट के मुताबिक देश की अलग अलग मंडियों में मक्का के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की दाहोद मंडी में 13 अगस्त को मक्का का भाव रहा 2,550 रुपए। 14 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 2,550 रुपए पर टिका रहा। पंजाब की जालंधर मंडी में 13 अगस्त को मक्का का भाव रहा 2,400 रुपए, जो कि 14 अगस्त को 100 रुपए बढ़कर 2,500 रुपए पर पहुंच गया। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे स्थिर भाव पर हुए। यहां दोनों दिन यानी 13 और 14 अगस्त को मक्का का भाव 2,470 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 14 अगस्त को मक्का का भाव 10 रुपए बढ़कर 2,320 रुपए से 2,330 रुपए हो गया। राज्य की ही फैजाबाद मंडी में इस दौरान मक्का के भाव नीचे आए। यहां 13 अगस्त को मक्का का भाव था 2,420 रुपए, 14 अगस्त को इसके सौदों में 10 रुपए की गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद भाव 2,410 रुपए पर आ गए। इस साल कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 324,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 56,00,000 टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में मक्का भी शामिल है। मक्का का MSP 2023-24 के दौरान 2,090 रुपए प्रति क्विंटल था, जिसकी MSP साल 2024-25 के दौरान 135 रुपए बढ़ाकर 2,225 रुपए प्रति क्विंटल की तय की गई है। और मक्का के बाजार के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आइए बात करते हैं अनुज गुप्ता से, जो बाजार के जानकार हैं और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे मक्का की स्थिति के बारे में, मिला जुला रुख इसमें देखा जा रहा है, आने वाले समय में क्या संभावना बनती हुई नजर आ रही है इसके बाजार में।
मक्के की अगर बात करें तो मक्के के भाव के बाजार में हमने नरमी आते हुए देखी है, भाव मिले जुले कारोबार होते हुए दिखाई दिया है। इस जी बार हमने मक्के की बम्पर फसल होते हुए देखी है। वैश्विक बाजारों में भी मक्के की फसल हमने बढ़ती हुई देखी है, एरिया भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और जिस तरीके से भारत में हमने मानसून देखा है उसका असर आने वाली क्रॉप पे पड़ सकता है, और जी क्रॉप भी लग रहा है कि आगे में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, अराइवली बनी रहेंगी। जी जी तो ऐसे में जबकि बम्पर पैदावार की उम्मीद जताई जा रही है तो भाव जो है वो किस ओर जाएंगे, और ऐसे में किसानों को खास तौर पे क्या करना चाहिए? मक्के किसानों को सलाह है कि उनका भी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे चलकर भावों में नरमी देखने की देखी जा सकती है। जी अराइवल भरपूर बनी रहेगी, आवक भी बनी रहेगी, और हमें लगता है उसकी वजह से भावों में एक मिला जुला कारोबार या मंदी के साथ रूप देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल अनु जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो मक्का के जो किसान हैं वो अपनी फसल को बेच सकते हैं, क्योंकि अच्छी पैदावार की वजह से आने वाले समय में भाव में नरमी हो सकती है, तो बेहतर होगा कि आप पहले ही अपनी फसल को निकाल दें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और आइए अब बात करते हैं अरहर की। बुधवार को कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य रही। इस दौरान अरहर का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। अरहर की खरीद फरोख्त पर पेश है ये रिपोर्ट। शनिवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य देखने को मिली। इसके भाव की बात करें तो एक मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 13 अगस्त को अरहर का भाव रहा 8,600 रुपए, जो कि 14 अगस्त को 100 रुपए की कमजोरी के बाद 8,500 रुपए हो गया। गुजरात की ही राजकोट मंडी में भी इस दौरान अरहर के भाव में गिरावट दर्ज की गई। यहां 14 अगस्त को अरहर का भाव 150 रुपए टूटकर 9,500 रुपए से 9,350 रुपए हो गया। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में इस दौरान अरहर का कारोबार 11,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 13 अगस्त को अरहर का भाव रहा 10,340 रुपए, जो कि 14 अगस्त को 10 रुपए उछलकर 10,350 रुपए पर पहुंच गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। खरीफ दालों में शामिल तुअर यानी अरहर दाल की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। साल 2023-24 के दौरान अरहर की एमएसपी 7,000 रुपए थी। साल 2024-25 के दौरान खरीफ अरहर की एमएसपी में 550 रुपए का इजाफा हुआ है, और अब इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,550 रुपए तय किया गया है। अरहर की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 33,39,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरहर की उपज 33,12,000 टन रही थी। आइए एक बार फिर शुरू कर लेते हैं बाजार के जानकार का। अनुज जी, अरहर के बाजार की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर उतार चढ़ाव का हाल इस वक्त बना हुआ है, आने वाले समय में क्या स्थितियां रहेंगी? अरहर की अगर बात करें तो अरहर में हालांकि हमने इस बार पैदावार कम देखी थी, मगर लग रहा है कि जिस तरीके से मानसून भारत में अबव नॉर्मल चल रहा है, सोइंग एक्टिविटी बढ़ सकती है, एरिया बढ़ सकता है, आगे चलकर पैदावार भी बढ़ सकती है। और दालों के अंदर हमें लगता है कि इस साल अगेन हम एक बम्पर क्रॉप आती हुई देखेंगे, तो अरहर के अंदर भी हमें लगता है कि इस बार पैदावार में जो कमी हमने पिछले साल देखी थी वो यहाँ पर पूरी होती हुई दिखाई देगी, और फिर हम इस बार अरहर की बम्पर क्रॉप देख सकते हैं। जी तो ऐसे में अनुज जी, क्या अरहर के किसानों को भी बिकवाली करके चलना चाहिए, आप क्या सलाह देंगे इस वक्त? अरहर के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए भावों में आगे, क्योंकि आवक बनी रहेगी तो भावों में नरमी आ सकती है। हालांकि सरकार ने एमएसपी बढ़ाया है तो किसानों को उसका भरपूर इजाफा मिल रहा होगा। हमें लगता है कि किसानों को अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, आगे चलकर भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो अरहर के जो किसान हैं वो आने वाली नरमी की आशंका को देखते हुए इस वक्त बिकवाली कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में बाजरे के क्या भाव रहे।
सबसे पहले अगर बात करें गुजरात के दाहोद मंडी की, तो यहाँ पर भाव रहा 2,100 रुपए। यहीं की राजकोट मंडी में सौदे 2,250 रुपए पर हुए, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी की बात की जाए तो यहाँ पर भी 2,250 रुपए में बिकवाली हुई। और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में बाजरे का भाव रहा 2,150 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर है। इसके साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सेब की। आप बने रहें हमारे साथ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिल्पा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जीरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं सेब की। जी हाँ, सेब की अगर बात की जाए तो देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एकमार्कनेट के मुताबिक बुधवार को हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब का भाव रहा 16,000 रुपए, राजस्थान की जयपुर मंडी में सौदे 12,000 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सेब 8,700 रुपए पर बिका। लखनऊ मंडी में सेब के सौदे 9,150 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर साल 2021-22 में सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,89,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। यानी साल 2021-22 में सेब की पैदावार में तकरीबन 3,00,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि देश की विभिन्न मंडियों में मूंग के सौदे कैसे हुए। और सबसे पहले रुख करेंगे गुजरात के धरोल मंडी का। तो आपको बता दें कि गुजरात की धरोल मंडी में मूंग का भाव रहा 7,325 रुपए प्रति क्विंटल। यहीं की राजकोट मंडी में सौदे 8,105 रुपए पर हुए, तो राजस्थान की कोटा मंडी में भाव रहा 7,700 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में सौदे हुए 7,460 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। नजर डाल लेते हैं केले के हाजिर भाव पर भी। देखते हैं विभिन्न मंडियों में क्या स्थिति रही। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में केले का भाव रहा 2,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे 2,200 रुपए पर हुए। राजस्थान की श्रीगंगानगर मंडी में भी 2,200 रुपए में ही बिकवाली हुई। और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी की बात की जाए तो यहां पर केले के भाव रहे 2,860 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और जीरे की बात करते हैं। विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की मात्रा और कीमतों में खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से, आपको बता दें कि 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी 2022-23 से इसकी तुलना की जाए तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। वहीं बात जीरे के निर्यात की करें तो भारत ने साल 2022-23 के दौरान 1,86,509 टन का जीरा निर्यात किया है, जबकि साल 2023-24 के दौरान जीरे का निर्यात 1,65,000 टन के पार पहुंच गया है। फिलहाल मंडियों में जीरे की आवक सामान्य है। एक मार्केट के मुताबिक बुधवार को धरोल मंडी में जीरे का भाव रहा 21,325 रुपए, हलवद मंडी में भाव रहा 23,500 रुपए, वहीं राजकोट मंडी में जीरा 23,500 रुपए पर ही बिका। आइए अब जीरे के बाजार पर भी बात कर लेते हैं। बाजार के जानकार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुज जी बताएं, मसालों में जीरे की अगर बात की जाए तो इसके भाव की स्थितियां किस तरह की बनती हुई नजर आ रही हैं? जीरा के अंदर हम कुछ नरमी देख रहे हैं,
भाव कुछ नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। वैश्विक बाजारों में भी भावों में स्थिरता रही है। वायदा व्यापार के अंदर भी भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। इस बार हमने देखा है कि बारिश होने की वजह से, मॉनसून अबव नॉर्मल आने की वजह से सोइंग एक्टिविटी बढ़ती हुई दिखाई दी है, मगर कहीं कहीं अगर अब देखें तो क्रॉप डैमेज होने की खबर भी सामने आती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि आगे चलकर कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है वो कंसर्न जीरे के अंदर आते हुए लग रहे हैं, जिसकी वजह से लग रहा है कि भाव यहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं। हालांकि स्विंग एक्टिविटी बढ़ सकती है क्योंकि अबर नॉर्मल मॉनसून रहा है, तो उसके चलते हो सकता है कि इस बार अगेन हम अच्छी क्रॉप देख सकते हैं। जी, तो अनुज जी, काफी अनिश्चितता की स्थिति नजर आ रही है, ऐसे में जो जीरे के किसान है उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे? जीरे के किसानों को सलाह है कि वो क्रॉप को यहाँ से होल्ड करके चल सकते हैं छोटी अवधि के लिए, क्योंकि जिस तरीके से ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्रॉप कंसर्न्स आ रहे हैं, क्रॉप में खराबी देखने को मिल रही है, जो फसल है वो खराब होती हुई दिखाई दी है, उसकी वजह से लग रहा है कि कहीं ना कहीं आगे चलकर भावों में एक स्थिरता आ सकती है, भाव ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे जौ का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। जब तपती है धरती, सूरज उगलता है आग, ठंड में जब सर्दी जमा देती सबके हाल, सब छुप जाते अपने अपने घरों में, तब बाहर निकलता सिर्फ एक इंसान, भरने के लिए हम सबका पेट, खून को पसीने की तरह देता बहा, थक जाता, झुलस जाता, हो जाता बीमार, तब उसकी सेहत का ध्यान रखता सिर्फ डीडी किसान। देखिए स्वस्थ किसान शनिवार शाम 6 बजे लाइव सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी खबर में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की आवक सामान्य बनी हुई है। बुधवार को इसके भाव की बात करें तो एग्मार्केट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में जौ का भाव रहा 2217 रुपए, उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2320 रुपए, इसी राज्य की फिरोजाबाद मंडी में जौ 2330 रुपए पर बिकी। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 22,24,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। आपको बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाकर 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनका रुख करते हैं। अनुज जी, अब जौ के बाजार के बारे में बताएं, आने वाले समय में इसके भाव कैसे रह सकते हैं? जौ की अगर बात करें तो जौ की हमने बम्पर फसल देखी थी, मोटे अनाजों की डिमांड रही, उसकी वजह से पैदावार भी बढ़ी है। हमने देखा है कि निर्यात मांग भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। जौ के बाजार में आने वाले दिनों में स्थिरता का रुख रह सकता है, मॉनसून का असर भी भावों पर रहेगा, हालांकि निर्यात मांग की वजह से भावों को सपोर्ट भी मिल सकता है। छोटी अवधि में हमें लगता है कि भाव स्थिर रहेंगे, मगर लंबी अवधि में भावों में तेजी देखी जा सकती है। बिल्कुल, तो इस तेजी का लाभ किसान किस तरह से ले, आप क्या सलाह देंगे, कब बिकवाली करनी चाहिए? जौ के किसानों को सलाह है कि अगर छोटी अवधि का व्यू है तो क्रॉप को बेच के निकल सकते हैं, और अगर लंबी अवधि का व्यू है तो क्रॉप को होल्ड करके चलें, क्योंकि लंबी अवधि में डिमांड के चलते भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को जौ को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, अनुज जी जुड़े रहे हमारे साथ। आइए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में पपीते के हाजिर भाव कैसे रहे।
केरल की मंजेरी मंडी में पपीते का भाव रहा 2,750 रुपए प्रति क्विंटल, तो वहीं पंजाब के गढ़शंकर मंडी में सौदे 3,200 रुपए पर हुए। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 3,000 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में सौदे हुए 3,050 रुपए पर। ये सभी भाव आव गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब जान लेते हैं भिंडी के बारे में भी और इसके भी हाजिर भाव कैसे रहे बीते कारोबारी दिन। बता दें आपको, गुजरात की राजकोट मंडी में भिंडी का भाव रहा 2,125 रुपए, पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे 1,800 रुपए पर हुए, राजस्थान की जोधपुर मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए, तो उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में सौदे हुए 2,060 रुपए पर। सभी भाव आव गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब आखिर में बात करते हैं अरंडी की। अरंडी के बाजार की बात की जाए तो बुधवार को देश की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक खासी सीमित देखने को मिली। हाजिर भाव की बात करें तो एक मार्केट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,730 रुपए प्रति क्विंटल, वहीं जम्बूसर मंडी में भाव रहा 4,800 रुपए। इसी राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 5,700 रुपए पर हुए। वही बात अरंडी की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। हाल ही में कृषि मंत्रालय की ओर से दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में खरीफ अरंडी की पैदावार 18,79,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरंडी की उपज 19,80,000 टन रही थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की पैदावार में 1,01,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो आइए एक बार फिर से रुक करें बाजार के जानकार का। अनुज जी, अब अरंडी के बाजार की बात करें तो आने वाले समय में भाव किस ओर जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं या घट सकते हैं, कैसी स्थितियां बनती हुई आप देख रहे हैं इस वक्त? कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर के अंदर हमने एक मिलाजुला कारोबार देखा है। कैस्टर में हमने देखा कि भावों के अंदर कहीं ना कहीं एक स्थिरता आती हुई दिखाई दी है। हमने पिछले कुछ दिनों में भावों में बढ़त बनती हुई देखी थी, मगर अब कहीं ना कहीं देखें तो भावों में स्थिरता का रुख देखने को मिला है। जिस तरीके से क्रॉप बढ़ती हुई दिखाई दी है, अबव नॉर्मल मॉनसून रहा है, उसकी वजह से लग रहा है कि आगे चल के क्रॉप बढ़ सकती है, मंडियों में आवक बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। जी, ऐसे में किसानों के लिए कोई खास सलाह? कैस्टर के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए। यहाँ हमें लगता है कि उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। भावों में आगे चलकर स्थिरता आ सकती है, यहाँ से उनको अगर अच्छे दाम मिल रहे हैं तो हमें लगता है कि उनको क्रॉप को बेच के वो निकल सकते हैं। जी बिल्कुल अनुज जी, आपने बेहद ही अहम जानकारियाँ हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और आइए अब मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और चलते चलते लौकी के हाजिर भाव पर नजर डाल लेते हैं। गुजरात की राजकोट मंडी में लौकी का भाव रहा 1,375 रुपए, पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सौदे 1,700 रुपए पर हुए, तो राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए और उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में लौकी का भाव दर्ज किया गया 1,640 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और तमाम जानकारियां दोबारा हासिल कर सकते हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखाते हैं इसका QR कोड, जिसे स्कैन करके आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। विभाजन की कहानियां जो दिल को छू लेंगी, जड़ों से उखड़े परिवारों का संघर्ष और साहस, अ न्यू पोस्ट बॉक्स टेल्स फ्रॉम द पार्टीशन। आइए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जहां दर्द से उम्मीद का जन्म हुआ।
जहाँ टूटे हुए सपनों से नए घर बसे। देखिए लोगों ने कैसे अपनी जिंदगी को फिर से बनाया एक नए पोस्ट बॉक्स के साथ। हिम्मत, साहस और शौर्य का दूसरा नाम है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों के अत्याचार इस कदर बढ़ चुके थे। इतिहास गवाह है कि जब कभी दुश्मन ने देश पर बुरी नजर डालने की कोशिश भी की तो देश के सपूतों ने दुश्मन के इरादों को नेस्तनाबूद कर दिया। मामा, आपको पता चला कि हमने तोलोलिंग कैप्चर कर लिया है? भारतीय सेना ने जो अपना सबसे कठिन युद्ध लड़ा इतिहास में, वो कारगिल का युद्ध था। देखिए हमारा खास कार्यक्रम याद करो कुर्बानी 14 अगस्त रात 9 बजे और पुनः प्रसारण 15 अगस्त दोपहर 2 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। त्याग, समर्पण और बलिदान, आजाद भारत ने ली अंगड़ाई, चल पड़ा कारवां, सपनों को मिली नई उड़ान, तैयार है एक नया हिंदुस्तान। 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का लाल किले से सीधा प्रसारण 15 अगस्त सुबह 6:30 से दूरदर्शन के सभी चैनल पर। आज हमारा कारवां पहुंचा है उत्तराखंड के काशीपुर। आज का हमारा सब्जेक्ट होगा बागवानी। ये नीलम प्रजाति और दशहरी का संकरण है जो केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में विकसित की गई। आलू में झुलसा बीमारी जो है वो जड़ भी उसकी उखाड़ देती है, उसके पत्ते से। बागवानी किशन में एक है किसानों की जो समस्या उसको हल करते हैं। नर्सरी स्टेज में ही हमको इसका ध्यान रखना है कि प्रॉपर इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे करें जिससे कि जो कैटरपिलर है ये उसकी बर्ड को ना खा पाए। देखिए किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार शाम 8:30 सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि हम बलिदान को याद करते हैं और साथ ही ये भी जानते हैं कि कोई भी युद्ध, कोई भी लड़ाई बिना किसान के नहीं जीती जा सकती। इसीलिए कहा जाता है कि जय जवान जय किसान। मोटे अनाज को हम भूल चुके थे और सबसे खुशी की बात यह है कि न सिर्फ अपने देश में बल्कि विदेशों में भी मोटे अनाज जिसको श्री अन्न कहते हैं उसकी भी काफ़ी अच्छी डिमांड निकल कर आ रही है। सभी किसान भाइयों बहनों को स्वतंत्रता दिवस की पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मंडी खबर स्वतंत्रता दिवस विशेष 15 अगस्त गुरुवार शाम 5 बजे पुनः प्रसारण रात 8:30 सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। पूजे नहीं गए वीर तो फिर कौन पंथ अपनाएगा और तोपों के मुंह से जाकर कौन फिर अपनी छाती अपनी अड़ाएगा। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूं मैं और चांद हमेशा रहता है। सदा मस्तक पटल पर ये अटल अभिमान ही होगा और हमारी सांस की स्याही की अंतिम बूंद से यारो लिखा जो शब्द जाएगा वो हिंदुस्तान ही होगा। अपनी मायके का, अपने ससुराल का, तो वो मेरा सेकेंडरी टास्क है। मेरा प्राइमरी टास्क है बॉर्डर। जब वो हुआ शहीद उन दिनों की बात थी, आंगन में बैठा बेटा माँ से पूछे बार बार, दीपावली पे क्यों ना आए पापा अब की बार। जिसने प्राणों की परवाह की ना कभी, आओ कर ले नमन से जवानी को भी।
मूंद कर आंखें करूं मैं उस तिरंगे को सलाम। अरे मेरा अंतिम गीत सुन लो फिर हमारी राम राम। किसान बदलते भारत।